सरो का। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का एक बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा है मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी पर तंज कसा है। कहा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। न्यायपालिका के फैसले का हम सम्मान करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा है मुख्तार उन्होंने। जैसा उन्होंने किया वैसा न्यायपालिका ने उन्हें सजा दिया। और ये भारत संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है और संवैधानिक रूप से न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। न्यायपालिका एविडेंस के आधार पर अगर सजा दी है तो उसका मैं सम्मान करता हूँ। और इस सजा से लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और लोग पहले की सरकारें थी, न्यायपालिका अलग रहती थी, कार्यपालिका अलग होती थी, पता चला सहयोग नहीं मिलता था, सजा दिलाने में न्यायपालिका को बड़ा लंबा समय लगता था। हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आज के दिन में इस न्याय दिलाने में न्यायपालिका का सहयोग किया गया, जो जल्दी से न्यायपालिका को निर्णय सुनाने में आसानी हुई। लोगों को जैसा उन्होंने किया वैसा न्यायपालिका ने उन्हें सजा दिया। और ये अगली खबर गाजीपुर से है, जहां बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उसके भाई माफिया मुख्तार अंसारी को मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल कारावास 1 लाख का जुर्माना की सजा दी है, जबकि माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल के कारावास और 5 लाख के जुर्माने की सजा दी है। गैंगस्टर के मामले में चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या का केस शामिल किया गया था। कोर्ट से सजा होने के बाद अफजाल अंसारी को गाजीपुर जिला जेल में भेज दिया गया। सजा के बाद अफजाल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, जबकि वर्तमान में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। अफजाल अंसारी पर जो है फैसला जो आया है वो 4 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपया बाना आदि दंड से दंडित किया। मुख्तार अंसारी पर क्या है? तो जो है 10 वर्ष की कारावास और 5 लाख रुपया दंड से दंडित किया गया। सन 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी, उसमें मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी ये भी उस घटना की अंजाम देने की साजिश में नाम इनका भी था और इसके लिए इनको जो है अभियुक्त बनाया गया था। तो उस घटना के बाद 2007 में 19/11/2007 को थाना मोहम्मदाबाद में इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसी मुकदमे का यहाँ विचारण चल रहा था। और उसमें आज मुख्तार अंसारी को 10 साल का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए का अर्थदंड तथा अफजाल अंसारी को 4 साल का कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड। वहीं रायबरेली में निफ्ट कैंपस में प्रैक्टिकल करते समय छात्रा आग से झुलस गई। गंभीर तौर पर झुलसी छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। बताते चले कि छात्रा 90% झुलसी हुई बताई जा रही है। प्रबंधन के मुताबिक बांदा की रहने वाली प्रथम वर्ष की छात्रा साक्षी कैंपस में अपना असाइनमेंट वर्क कर रही थी। बताया जा रहा है कि उसी दौरान उसके कपड़ों में आग लग गई और देखते ही देखते वह आग के गोले में तब्दील हो गई। साथ ही छात्रों ने उसे जलता हुआ देखकर आग को बुझाने की भी कोशिश की, तभी शोर सुनकर प्रबंधन के ओर लोग भी वहां पहुंचे और किसी तरह आग बुझाने के बाद जिला अस्पताल ले गए। यहां छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे तुरंत लखनऊ रेफर कर दिया। भारत शाह, क्या हुआ इस छात्रा को, क्या नाम इसका, कैसे, क्या पर्ची? साक्षी थी, उसको असाइनमेंट कर रही थी अपने वहाँ और उसको कुछ, हम लोगों को खबर लगी कि कुछ आग से जल गई है, उसको फिर लेके हम यहाँ जिला अस्पताल लेके आए हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। साथ में पैरेलली हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था ताकि कोई
बात हो तो कोई जांच हो जाए तो। क्या नाम है इसका, कहाँ के रहने? साक्षी है, बांदा से है, पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया, वो आ गए, उसकी बहन भी है उनके साथ। जी हरदोई से है, जहां पचदेवरा थाना क्षेत्र के लखनौर में दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो पक्षों के लोग आपस में मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस मारपीट करने वाले लोगों की जानकारी जुटाकर उनकी तलाश करने में जुटी है। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सृष्टि अपार्टमेंट में निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग को कुत्ते के झुंड ने नोच डाला, जिसके बाद अपार्टमेंट के निवासियों ने चुनाव बहिष्कार का पोस्टर लगा दिया है। बता दें कि सृष्टि अपार्टमेंट निवासी विनोद कुमार दीक्षित रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी उनके ऊपर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसके बाद सृष्टि अपार्टमेंट के निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। मामला बढ़ते देख क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला पीड़ित बुजुर्ग के घर हाल जानने पहुंचे और बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने पीड़ित बुजुर्ग और परिसर के निवासियों से उनकी समस्याओं को सुना और निजात दिलाने के लिए तत्काल पीड़ित बुजुर्ग के सामने नगर आयुक्त को उक्त मामले में निर्देशित भी किया है। थोड़ी समस्याएं थी हैं यहाँ पे और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन समस्याओं को अधिकारियों तक ले जाना और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका निस्तारण करना। मैंने आश्वासन दिया है, आश्वासन नहीं ये मेरा वादा भी है कि 4 तारीख के बाद जितनी भी समस्याएं इस अपार्टमेंट्स की हैं, जो अगल बगल के अपार्टमेंट्स हैं वहाँ की हैं, सबका निस्तारण अधिकारियों के साथ बैठ कर करूँगा। मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ के कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, अपार्टमेंट्स के रहने वाले लोग हैं। वहीं देवरिया में निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने अपने फेवर में निकाय चुनाव को लुभाने के लिए जुट चुकी है और दिन रात एक कर रही है। सत्ता पक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। ऐसे में अपनी तरफ मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए स्थानीय नेता के साथ ही दिग्गज नेता भी जुट गए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया राजकीय इंटर कॉलेज में सदर भाजपा नगर पालिका प्रत्याशी के लिए जनसभा की गई और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। वहीं प्रयागराज में निकाय चुनाव के मद्देनजर नगर पंचायत कोराव में पैरामिलिट्री और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। फ्लैग मार्च को पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। आगामी 4 मई को नगर पंचायत कोराव में पहले चरण का मतदान है, जिसको लेकर पैरामिलिट्री के एक बटालियन और ACP समेत पुलिस बल तैनात की गई। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह से पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश पलटू राम मिलने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पहलवानों द्वारा दिए जा रहे धरने को पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की इस धरने के पीछे साजिश है और पूरे तरीके से प्रायोजित करके बीजेपी सांसद के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। वहीं आप नेता आतिशी द्वारा खेल मंत्री पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर कहा कि मैं सांसदीय भाषा का ना तो समर्थन करता हूं ना ही बोलता हूं। देश की जनता को, हमारे क्षेत्र की जनता को कानून पर भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है और हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत होगी, चूंकि माननीय सांसद जी सत्य के रास्ते पर। जिस तरीके से आप समेत 2 मामले दर्ज हुए हैं और वहां पर धरना स्थल पर प्रियंका गांधी पहुंची, ये टोटल जो राजनीतिक षड्यंत्र है ये कांग्रेस की चाल है। और प्रियंका गांधी जब पहले भी ये पहलवान धरने पर बैठे थे उस समय भी उन्होंने उनका समर्थन किया था और आज भी वो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि माननीय सांसद जी के चरित्र को हम बर्बाद करें। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का एक षड्यंत्र है। आदरणीय नेताजी के बारे में वैसे वो हमारे पिता तुल्य हैं, हम लोग शुरुआती दौर से जानते हैं। कोई भी ऐसा जो भी आरोप लगाया गया है एकदम निराधार है।
और जांच होगी, सब कुछ सामने आएगा। पहले भी कमेटी ने जांच किया है, उसमें कुछ नहीं आया है। निकाय चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और सभी दलों के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं सहारनपुर में भाजपा के नगर पंचायत प्रत्याशी मंजू शर्मा को जनता का समर्थन मिल रहा है, जिसको लेकर विशंबर शाह कॉलेज के चेयरपर्सन सौरव ने चुनाव कार्यालय पहुंचकर पटका पहनाकर उन्हें बधाई भी दी। नगर निकाय की चुनाव की जंग जारी है, प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बता दें कि 4 मई को गोंडा चुनाव होना है और वहीं वार्ड नंबर 11 मोहल्ला इमामबाड़ा के निवर्तमान सभासद प्रत्याशी के रूप में आजम अली के समर्थन में खुलकर उतरे हैं। जनता के पास जाओ तो जनता यही कहती कि आपने 5 साल इतना अच्छा किया है, अब आपके अलावा किसको सुनेंगे और किसको रेंज उठाएंगे। तो 5 साल के पिछले कार्यकाल की बात की जाए तो आपने अपने क्षेत्र या वार्ड के लिए आपने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो ऐतिहासिक मान के जनता आपसे कहती है कि आप दंगियों का बात था जी। ना सड़क था, ना नाली था, ना बिजली थी, ना लाइट थी, ना तार जर्जर थे, कुछ नहीं थे। जब से 5 साल में ये सब हमने कार्य पूरा कराया। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी जिले के दौरे पर पहुंचे। मंझनपुर डायट मैदान में केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जिले के 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील भी की। सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। केशव मौर्य ने कहा कि इस बार यूपी निकाय चुनाव का परिणाम और बेहतर रहने वाला है। सपा मतलब गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार, और आगे क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। जनता ने अब जान लिया है, मान लिया है कि सपा मतलब गुंडागर्दी भ्रष्टाचार, बसपा और कांग्रेस का कहीं यहाँ अता पता नहीं है। इसलिए भाजपा मतलब विकास, बाकी दलों का साथ मतलब बर्बादी, इसलिए लोगों ने भाजपा को चुनने का काम किया है। मैं इसके लिए जनता से अपील भी कर रहा हूँ और कार्यकर्ताओं का आह्वान। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। जो भी सजा हुई है मैं माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूँ, लेकिन ऐसे। वहीं सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल के पक्ष में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सपा पर करारा प्रहार किया और कहा कि सुल्तानपुर में जो होता रहा है किसी से छुपा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कमल पर वोट, अपराधी पर चोट का नारा। वहीं डिप्टी सीएम ने खुद को सुल्तानपुर का सेवक भी बताया। साथ ही मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा पर न्याय की जीत भी बताया। दिन तक पहुंची है और योगी जी का लाइन आर्डर जनता सराहना कर रही है। और सुल्तानपुर आने के बाद हमने देखा है हमारे जनप्रिय उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और हमारे समाज के सभी प्रत्याशी। अरे यार, 10 साल की जेल हुई है मुख्तार को। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेगी। हम सभी अदालतों में ठीक से पहल कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में हम कानून के राज को मिटाएंगे। लखनऊ में चुनाव आयोग हिंदू महासभा 2 सूत्री मांग कर रही है। पहली मांग है कि बुर्का में आने वाली महिलाओं की जांच की जाए, इसके बाद ही वोटिंग प्रक्रिया कराई जाए। देश भर में बुर्के के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं। और वहीं दूसरी मांग की गई है कि रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए वोटिंग वाले दिन एक बड़ा अभियान चलाया जाए, क्योंकि ये लोग फर्जी मतदाता पत्र और आधार कार्ड बनाकर वोट डालने का अवश्य प्रयास करें। इस पर भी चुनाव आयोग की कड़ी नजर होनी चाहिए कि आगामी नगर निकाय के चुनाव में महिला पुलिस लगाकर बिना जांचे परखे किसी को भी मतदान ना करने दिया जाए, खासकर बुर्का नशी महिलाओं को, क्योंकि किसी का वोट कौन डाल रहा है ये कैसे पता चलेगा। दूसरी मांग हिंदू महासभा की यह है कि जिस प्रकार से पूरे देश में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोगिया मुसलमानों की घुसपैठ हुई है, उन्होंने फर्जी आधार और पहचान पत्र बनवा लिए हैं,
लोकल नेताओं के सहयोग से ही कि आगामी विद्यालय में स्थान है जहां देश का भविष्य आकार लेता है, जहां हमारी भावी पीढ़ियां बेहतर भविष्य की नींव रखती हैं। विद्यालय बच्चों के बेहतर भविष्य का केंद्र है। ऐसे में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है। लेकिन कानपुर के किदवाई नगर में बने प्राथमिक विद्यालय गोपालगंज न्यायपुरवा का हाल बेहाल है, जो बच्चों की मूलभूत सुविधाओं के नाम पर शून्य है। साथ ही छात्र छात्राओं के शौच के लिए कोई सुविधा सरकार की ओर से अभी तक मुहैया नहीं कराई गई। वहीं इस विद्यालय में पिछले कुछ सालों में बच्चों की संख्या लगभग 100 के ऊपर थी, लेकिन वर्तमान में शौच पेयजल साथ ही पर्याप्त मात्रा में बैठने योग्य जगह ना होने की वजह से बच्चे विद्यालय में ना जाने के लिए मजबूर हैं। प्रधानाध्यापिका लता मिश्रा ने बताया कि विगत 3 वर्ष से इस विद्यालय की व्यवस्था के लिए वो कठिन परिश्रम कर रही हैं, क्योंकि विद्यालय में सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। खबर बंदायू से है, जहां थाना हजरतपुर क्षेत्र के गांव गड़िया शाहपुर में जहां पर अपनी ताई की अंत्येष्टि करने हजरतपुर राम गंगा पुल के नीचे आए 3 बच्चे गंगा में डूब गए। वहीं इस हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं परिजनों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे 3 बच्चों को बरामद कर लिया है। वहीं सूचना पाकर जिलाधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और 3 बच्चों को एम्बुलेंस से म्याऊं अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये क्या है? इनमें कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो मृत है? हाँ। ठीक, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और थाना कौन सा लगता है? हजरतपुर। यहाँ पर जो बच्चे डूबे हैं, उनके आप कौन हैं? हम उनके भैया। भैया? अच्छा, भैया थे आपके। क्या हुआ था, कैसे डूब गए थे? ये सब हनान को आए, सारे जने हनान को आए। क्यों नहाने को क्यों आए थे यहाँ पर? क्या हुआ था, शुरू से बात बताइए। शुरू से तो जापान या कहीं लद्दाख दफना उनको आए। अच्छा, तो बहुत नहीं हुई है, हॉस्पिटल भेजा गया है। ये 3 भाई अपने चाची का क्रिमिनेशन करने आए थे, अंतिम संस्कार करने आए थे जी। और क्रिमिनेशन के बाद जो नहाया जाता है जी, तो वो नहा रहे थे, तो उसी नहाने के दौरान वो गहरे पानी में चले गए जी। और स्थानीय गोताखोरों द्वारा उनको निकाला गया है और जान की तो तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया है। करने आए थे आप? मम्मी जी का अंतिम संस्कार। यहाँ पर जो डूबे हैं वो कौन थे आपके? वो मेरे चाचा के लड़के। चाचा के लड़के जो डूबे हैं, 3 व्यक्ति डूबे हैं, उनका रिलेशन क्या था आपस में? भाई भाई थे क्या? वो सगे भाई। बिल्कुल सगे भाई थे। जब वो डूबे थे तो आप उनके साथ में नहा रहे थे यहाँ पे? हाँ जी। क्या हुआ था, पूरी बात बताएंगे आप? वो जो है ना, पहले तो साइड में नहाते रहे जी, फिर एकदम जब हम बाहर आ गए तो फिर वो एक बंदा पहले चला गया, फिर दूसरा भी गया, फिर तीसरा भी चला गया। हम भी उसे बचाने गए, हम भी नहीं चले गए थे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां UPSTF को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 150 पेटी अवैध शराब सहित कार भी बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरियाणा, मोबाइल नंबर 97184453, पिताजी का नाम धर्मवीर, नाम विजय कुमार, सोनीपत, पटेल नगर, एड्रेस, मोबाइल नंबर 80530056। गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे फर्जी रो एजेंट को गिरफ्तार किया है जो अपने 2 साथियों के संग मिलकर अनएम्प्लॉयड युवाओं को ठगने का काम किया करता था। साथ ही पुलिस ने फर्जी रो एजेंट सहित 3 और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से फर्जी आईडी और फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अपने आप को रो एजेंट बताते क्या है पूरे मामले? देखिए, कल थाना कोतवाली क्षेत्र में 3 लोग को गिरफ्तार करा है, जिसमें कि अनिकेत दत्ता नाम के व्यक्ति, जो कि मूलतः उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, ये फर्जी रॉ के एजेंट की आईडी बनवा के एवं इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर की फर्जी आईडी बनवा कर
लोगों को ठगा करते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी था, इन्होंने फर्जी ईमेल आईडीज बनवा ली थी, एक फर्जी विदेश मंत्रालय का इन्होंने अथॉरिटी लेटर बना रखा था और ये उस फर्जी ईमेल आईडी से लोग अपॉइंटमेंट लेटर दिया करते थे। साथ ही साथ डिफेंस में नौकरी लगवाने के नाम पर जो अग्निवीर स्कीम आई थी सरकार की, उसमें फर्जी एडमिट कार्ड इशू करा करते थे। रायबरेली में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है, जिसको लेकर त्रिपुला चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कार चेकिंग भी चल रही है। बता दें कि बीते दिनों लालगंज थाना क्षेत्र में एक कार से 9 लाख रुपए बरामद हुए थे। वहीं निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर भी कस ली है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।